कस्काय किंचो वदिया। तो आज मेरा है वॉश का डे। बच्चे लोग भी ना यार, उनको खिड़की हो जाए बंद करता हूँ फिर बात कर। तो आज मेरा हेयर वॉश का डे और आज दिन मम्मी आ गई है। तो आज है मेरा हेयर वॉश का डे। तो आज मैं करने वाला हूँ एलोवेरा अप्लाई करूँगा और शिकाकाई से हेयर वॉश करूँगा। शिकाकाई एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बहुत पहले, मतलब शैम्पू वगैरह तो अभी चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले जो टाइम पे शैम्पू वगैरह ना हुआ करते थे वो टाइम पे शिकाकाई इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी मेरे को शिकाकाई का कैसे पता चला कि यूजली कोरोना के वजह से नाक और ये चीज़ को डायरेक्ट हटने लगा था, टी शर्ट का इस्तेमाल करते थे अंदर से फॉर सेफर साइड। तो मेरे को ये मेरी मम्मी से पता चला कि मम्मी को एक ही बार मैंने बहुत बार ऐसे पूछा कि जो टाइम शैम्पू ना हुआ करता था तो लोग कैसे धोया करते थे, जबकि जबकि बात है जब मैंने हेयर बढ़ाए भी नहीं थे, मतलब बाल बढ़ाए भी नहीं थे मैंने, तब की बात है ये। तो मम्मी ने बताया कि शिका का इस्तेमाल किया करते थे। अगर आपको पता, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हो, आप फिर मम्मी या पप्पा से भी पूछ सकते हो, ना तो आपकी दादी दादू या फिर कोई भी ओल्ड एज पर्सन है उनको पूछ लो कि कैसे है, मतलब क्या इस्तेमाल किया था। तो मोस्ट ऑफ तो यही बताएंगे कि शिका का इस्तेमाल किया करते थे। तो शिका के साथ कई लोग आंवला भी इस्तेमाल कर लेते बाद में, और एक कुछ आता है वो मेरे को नाम नहीं आ रहा है, मेरे फ्रेंड वो यूज़ करता है, तीन चार इंग्रीडियंट में मिक्स करके तो एक बना लेना पड़ता है, मतलब उसको बना के एक्चुअली ऐसा तो करना ये पड़ता है। तो मैंने वो इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ठीक है, अभी आगे आगे देखेंगे। आज हेयर वॉश डे, आज का ब्लॉग एक अलग होगा, मीन्स ये टॉपिक मैंने तीन चार ब्लॉग्स बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक पे, मीन्स इक्वली। तो एक दो ब्लॉग मतलब जब बाहर घूमना वूमना वही बेसिस पे है वो ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग होगा मेरा पर्सनल ब्लॉग, मीन्स मेरे लाइफ में क्या कर रहा हूँ मैं, जो होम लाइफ है मेरी उसमें क्या कर रहा हूँ, होम लाइफ मेरे घर की जिंदगी। अभी हम एलोवेरा ले लेंगे जो मैंने घर में मेरे एक क्या बोलते हैं उसको कुंडी, आई एम महाराष्ट्रियन तो मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं हिंदी में कुंडी को, हम लोग तो कुंडी बोलते हैं। तो कुंडी में से अपन पहले एलोवेरा लेंगे, उसका जेल निकालेंगे, उसका प्रोसेस दिखाता हूँ आपको। ये बच्चे लोग जैसे आवाज कर रहे थे ऐसा ही आवाज हम ही किया करते थे हमारे एरिया में, हमारा बचपन भी, हमारा बचपन तो इनसे बदतर था, हम लोग इनसे ज़्यादा व्यस्ती करने के। लेकिन अब कैसे है कि मोबाइल वगैरह आ गया तो बच्चे लोग बाहर नहीं निकलते वगैरह वगैरह। देखो हम लोग भी बाहर नहीं निकलते, लेकिन हमने हमारे उम्र में खेलना नचक किया, लेकिन वो लोग भी अच्छी बात है, होने तो थोड़ा तकलीफ होता है उनके चिल्लाने को, लेकिन एटलीस्ट वो बाहर तो निकल रहे हैं। सबसे बड़ा मसला वो बाहर निकल रहे हैं कि मोबाइल के, मतलब डिजिटल जो बोलते हैं ना, टेक्नोलॉजी में अटके हुए बच्चे नहीं है वो, ये बात सबसे अच्छी है। जो कि यही चीज़ घर के बाहर खेलना कूदना ही अपना भारत का भविष्य तय करता है। सदृढ़ मतलब कैसे होता हूँ कि मतलब हट्टे कट्टे बच्चे, तंदुरुस्त बच्चे होना ही हमारे देश का भविष्य है। देखो यही पे मेरे घर के बाजू में मेरे मम्मी ने एक छोटा सा गार्डन ही बना के रखा है, दिखाई देता है मेरे मम्मी का कलेक्शन है रही है झाड़ का। मम्मी शौकीन है बहुत झाड़ की। ये है कृष्ण कमल, ये इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन इसको बारिश में एक ही बार इसको फूल आते हैं। ये भी अभी लिया हुआ है, ये भी अभी लिया है, ये आई थिंक अदरक का है। अजी देखिए आमच्या मराठी त्याला वड बोलतात, बरगद काही पेड, आय थिंक मुझे लगता है हिंदी में बरगद ही बोला करते हैं। ये देखिए इतना वड आहे,
ये काम की चीज़ हमारी यहाँ पे है। देखो औरत लोग ने वट पूर्णिमा के दिन ये करके रखा। बाबा तो अरे यार तो क्या हो गया इसको, उड़ी बाबा। अरे ये एलोवेरा बचा ही नहीं है इसमें कुछ। यहाँ पे हमारा पोपट हो गया ही है। ये छोटा छोटा में से कुछ निकलेगा नहीं, को मतलब ही नहीं बनेगा यार इतना। छुड़िए ही ले लेता। ये झाड़ पहले सीधे कर देते। लोग को एलोवेरा तो इतना ही मिला है, क्या पता क्या हो गया। बहुत सारा एलोवेरा था लेकिन कहाँ पे चला, आई थी मम्मी ने, मम्मी तो यूज़ नहीं करती, बच्चे लोग ने तोड़ फोड़ के फेंक दिया रहेगा, अभी क्या पता क्या है। तो अभी इतना ही मिला, इतनी सी काम चलाना पड़ेगा। अभी आपको बोल तो दिया कि एलोवेरा वगैरह लगा के ही काम होगा, तो बालों में एलोवेरा वगैरह लगेगा। ठीक है, अभी ये देखो एलोवेरा मिल गया, अभी इसका आगे जेल निकालेंगे। ज़्यादा तो नहीं निकलेगा लेकिन जितना निकलेगा उतना ही थोड़ा बहुत ही ठीक है। छोड़ो इतना भी कुछ नहीं सीरियस, अपन लगा लेंगे, इतना ही बस हो जाएगा, अपन एडजस्ट कर लेंगे। हम मुंबई करें, हमारा जीवन एडजस्टमेंट में जाता है। सबसे मुश्किल काम ये है कि इस पत्ते में से इसके अंदर का जिन निकालना सबसे कठिन काम है। मैं तो बताऊं दुनिया, क्योंकि साला वो निकलता ही, निकले तो ऐसे चिपक चिपक पूरा पूरा, मतलब जेली जैसा रहता है ना, सॉलिड वैसे ही रह जाता है। कुछ मसला हो तो बता दो यार, कोई टेक्निक हो तो। मम्मी को अगर पता चला ना मैं सोफे पे ये कर रहा हूँ, फिर वही मेरी तो नौबत ही है। हमारे घर में सोफे पे पैर लेके बैठना खराब नहीं है। ऊपर से बीच-बीच में ये आ जाता है कि तुम डूब गए, अपना खराब है। आप इसको रूट्स में भी लगा सकते हो क्योंकि डेंड्रफ भी क्योर करने में हेल्प कर, हेल्प क्योर नहीं करता, क्योर करने में हेल्प कर। एक से डेढ़ घंटा हो गया है और यहाँ पे क्लॉक में देख रहा हूँ तो मैं कुछ 4 बजे के आसपास मैंने लगा दिया था एलोवेरा जेल। अभी 5:30 हो गए तो 1.5 घंटा अच्छे से ये हो गया है, मतलब अच्छे से लग गया है। तो अभी मस्त है कि धो देता हूँ बाल, और आपको बताया था ना कि शिका गाय क्या है, तो मैं शिका गाय का पूरा पेस्ट बनाया हूँ, उसका पानी अलग से निकाला हो और उसका पेस्ट बनाया हो अलग से, तो वो दिखा देता हूँ आपको। वो बाथरूम में रखा है, एक मिनट चालू। ये देखो
ये शिकागो का बॉइल्ड पॉटर मीन्स शिकागो एक्चुअली करना है क्या रहता है, और ये है पूरा पेस्ट, ये भी अप्लाई करूँगा अच्छे से मैं, ज़्यादा घसना नहीं है लेकिन एक बात, क्योंकि ये जो रहता है पूरा रफ रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रहता है ना वो एक्चुअल में रफ रहता है, पेस्ट है आखिर वो शिकागो, आप ऑनलाइन सर्च कर लो, शिकागो का बीज रहता है, बीज टाइप रहता है इसे मतलब सूखा हुआ, तो वो जो है अगर आप लगाओगे और ऐसे रफ करोगे तो उससे बाल को मतलब वो नेचुरल डैमेज नहीं देगा, लेकिन जो आप रब करोगे एकदम जोर से दबा दबा के तो ऑब्वियस है वो डैमेज देगा। तो आपको करना क्या है, शिकागो को लेना है सूखा शिकागो और वाटर बॉईल करना है। एक्चुअली ये करना मतलब अगर आप कल सर धोने वाले हो, हेयर वॉश करने वाले हो, तो उसके एक दिन पहले मतलब रात को आपको बहुत अच्छे से वाटर बॉईल करना है, एक कटोरे में शिकागो डालना है और उसको, अरे मैं भी कहा कि बाथरूम में चालू हो गया, तो उसको क्या करना है कि आपको शिकागो को इसमें डाल देना है, मतलब शिकागो एक कटोरे में लेना है, उसमें बॉइल वाटर डालना है और ढक देना है, तो पूरे रात भर के लिए सोख हो जाएगा। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखना, मीन समझो कि अगर आप आधा लीटर पानी डाल रहे हो तो उसका 250 ml तो पानी बचना ही चाहिए, क्योंकि पेस्ट जो है वो ठीक से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जो वाटर है क्योंकि उसमें उसका एक्सट्रैक्ट रहता है, तो एक्सट्रैक्ट अगर सर के रूट्स में अच्छे से चलाएगा, बस आपको डालना है नॉर्मली रब भी कर दोगे तो सब रूट्स में हो जाएगा, और शिकागो का जो भी पेस्ट रहेगा वो ऊपर लगा दोगे, ठीक है, और वॉश कर देगी, बात खत्म है। अब डॉक्टर से सजेस्ट करना, फिर यूज करना। तो हमारा हेयर वॉश हो गया है, ये देखो। अच्छे से हो गया है, देखो बाल तो इतना कुछ झड़ा तो नहीं, पर एक बात हो गई हमारे साथ, मेरे दिमाग में चीज ही नहीं था कि जब भी शिकागो से बात धोगे तो जब तक शिकागो सर से अच्छे से धुल ना जाए, धुलने के बाद भी आपको आँख में उसका पानी जाने नहीं रही है, लेकिन जो हार्ड वाटर रहता है मतलब जो शिकागो का ही पानी है वो आँख में जाता जाना नहीं चाहिए, और जब भी वो पेस्ट यूज करोगे आप तभी तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, आप मेरे आँख भी देख सकते हो इसके कितनी लाल हो गई, देखो सी दे आर लाइक ब्लडी रेडिश, स्टिल मेरे आँख से पानी आ रहा है, मैं गलती से आँख खोल दिया जब कि मैंने शिकागो का जो पानी था वो जब भी डाल दिया मैंने वो टाइम पे मैंने आँख खोल दिया, और पूरा हार्ड वाटर जो था मैं साइंस फिट से बिलोंग करता इसलिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड वाटर बना रहा, जो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर था शिकागो का वो साला आँख में चला गया, नाला बोले तो 2-3 बाल्टी पानी तो आँख ही धोने चले गया है, इतना जलन कर रहा था बता नहीं सकता। तो एक बात याद रखना, शिकागो से जब भी बाल धोगी आँख खोलना मना है, जब तक अच्छे से नॉर्मल वाटर से नाना बोले तो, अगर आप शावर ले रहे हो तो 5 मिनट तक तो, तीन चार मिनट तक तो कम से कम पानी का फ्लो चलते रहना चाहिए आपके सर में, और अगर आप बाल्टी से धो रहे हो तो कम से कम एक बाल्टी में पानी से अच्छे से धो लेना, क्योंकि अगर ये देखो ये बाल जो गीले बाले हो अगर गलती से भी आँख में जा रहा है जब ये वेट कंडीशन में है तो सर आप जलन हो रहा है आपके चले गए सर मेरे आँख में से, क्या ही बताऊं मैं आपको मेरा तक, मगर कैसा है प्यार में जीत है छोड़ नहीं सकते ना, शौक बड़ी चीज है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ठीक है देखो अच्छे से धुल गया है, अभी इसको कुछ कोम नहीं करना है, हाँ थोड़ा बहुत आपको फील होगा कि हाँ मेरे बालों में मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है इसके शिकागो के, तो उसके पार्टिकल्स से रह ली, जब आपका बाल अच्छे से सूख जाएंगे कम से कम 3-4 घंटे के बाद, मेरे को एटलीस्ट 2.5-3 घंटा लगता है, इतने बाल है तो 2.5-3 घंटा तो लगता ही है, एक्चुअली बाल बड़े थे लेकिन मैंने मैंने अंडर कट करवा दिया है कुछ 1.5 हफ्ते में,
ग्रैजुएट हो जाना आपको उधर बताता हूँ। दिखेगा तो नहीं मुझे लगता अच्छे से। हाँ अब दिख रहा है कुछ इस टाइप का। मैंने अंडरकट करवा लिया था सो उसके वजह से थोड़ी जो नीचे की लेंथ है वो लेंथ कम दिख रही है, लेकिन लेंथ तो वैसे अच्छा से, लेकिन बाल घने तो मेरे पास तो एटलीस्ट 3 घंटा लगता है बाल सूखने में रेगुलरली। और आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय टेक केयर।